त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र अम्बासा के निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। मेरे साथ मुष्टिका बांध करके एक बार जोरदार नारा लगाएंगे ताकि दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी सुन सके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंधुगण, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के बड़े नेता, नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता मौजूद हैं और किस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा की सरकार ने क्या किया है उसके विषय में अपने विचार को आपके सम्मुख रखेंगे। मगर दो तीन छोटे छोटे बिंदु जो कहने को तो समय कम लेंगे मगर जिसका विषय बहुत बड़ा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बंधुगण, याद करिए, एक समय ऐसा था जब नॉर्थ ईस्ट, NE नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आधिपत्य कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की थी, जिस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य के ऊपर राज करते थे, उस समय NE का अर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं होता था, उस समय NE का अर्थ होता था नॉन एग्जिस्टेंट। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं था, मेन स्ट्रीम का भागी नहीं था। आज 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 में जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने NE नॉर्थ ईस्ट का एक नया परिभाषा, एक नया डेफिनेशन दिया है। NE माने न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ। आज नॉर्थ ईस्ट का मतलब है भारतवर्ष का न्यू इंजन, वो नया इंजन जिसके माध्यम से ग्रोथ आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट और विकास आगे बढ़ सकता है। नॉन एग्जिस्टेंट से न्यू इंजन, यह मोदी जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना की है वो बहुत बड़ी बात है। बंधुगण, वो दिन दूर नहीं थे, आप याद करिए, जब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत यहां के राजा के परिवार का नाम तक नहीं लिया जाता था, उनका फोटो तो दूर, उनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दी जाती थी। मगर आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, आज मैं धन्यवाद दूंगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को और त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कि अगरतला के एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम सिंह जी के नाम पे किया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा वीर विक्रम जी अमर रहे, ये हमारी इच्छा है, यह नरेंद्र मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में त्रिपुरा के जो जनजातीय लोग हैं उनके सम्मान के लिए पहली बार पद्मश्री अवार्ड हमारे जनजातीय बंधुओं को दिया गया है। ये जो परिचय है ये विश्व पटल पर त्रिपुरा के जनजाति को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और इतना ही नहीं, केवल त्रिपुरा के जनजाति नहीं, पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि आज भारतवर्ष जो विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक कोई है तो वो हमारे जनजाति परिवार की एक साधारण महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है। ये विश्व में एक कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है और मुझे गर्व है कि मैं भी एक जनजातीय क्षेत्र उड़ीसा से आता हूं और द्रौपदी मुर्मू जी जो आज महामहिम राष्ट्रपति है वो हमारी गांव की है, वो हमारी मिट्टी की है। मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी। मगर आज मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, मैंने आज अखबार पढ़ा है, मैंने त्रिपुरा के तमाम अखबार को देखा है,
कि आज टीएमसी की एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्र वो यहां आई हुई है त्रिपुरा में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जनजातियों के लिए। मुझे दुख है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को प्रस्तावित किया कि वो राष्ट्रपति बने और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि द्रौपदी मुर्मू जी जनजातीय समाज का गौरव रखते हुए आज वो राष्ट्रपति है। वही अखिल गिरी जो मंत्री है टीएमसी से, उन्होंने किस प्रकार के शब्द, अशोभनीय बात आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जनजाति समाज के लिए कहा, जिस प्रकार की अशोभनीय बात टीएमसी के एक मंत्री ने जनजाति समाज के लिए कहा है। मुझे लगता है आज अगर त्रिपुरा में टीएमसी की कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई सांसद आई है तो उन्हें हाथ जोड़ करके त्रिपुरा के जनजातीय समाज से माफी मांगनी चाहिए। बंधुगण, गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं एक स्पोक्स पर्सन रहा हूं, पार्टी का हूं भी अभी, यह तो पार्टी का मंच नहीं, मैं तो यहां चेयरमैन के नाते मौजूद हूं, मगर मैं टीवी देखता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है और मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। लगभग 23 से 27 वर्ष के बाद ब्रू रियांग, जिसका सोल्यूशन, जिस समस्या की समाधान हमें नहीं मिली थी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इसका समाधान किया है, यह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। मैं आज धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का कि जो टी गार्डन्स के वर्कर हैं, आपने उन्हें जमीन का पट्टा दिया है, उसके लिए हम सब बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आज धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का कि जो डार्लोंग कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं यहां पे, उनको सब ट्राइब बना करके जिस प्रकार से समावेश किया है हमने, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान हम सब के लिए है। मैं डार्लोंग कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मैं धन्यवाद करता हूं इस सरकार का कि कोकबोरोक भाषा को आज, जो कि हमारी त्रिपुरा की इंडिजिनस भाषा है, उस भाषा को हर स्कूल में, हर कॉलेज में आज स्थान दिया गया है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि 30 करोड़ रुपए दिया गया है प्रत्येक एडीसी को वहां हॉस्पिटल बनाने के लिए। इसी प्रकार अनेक और काम किए गए हैं हमारे जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अंत में एक छोटा सा विषय रखकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। हम सबका नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% विश्वास है, क्योंकि आप देखिए जिस नॉर्थ ईस्ट, आज मैं नॉर्थ ईस्ट का काम देख रहा हूं, मैं आज आपको एक विषय बताने वाला हूं। 2004 से लेके 2014 तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो थे, बहुत आदर से उनका नाम ले रहा हूं, वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद वो नॉर्थ ईस्ट केवल 2 बार आए। मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं 8 वर्षों के अपने प्रधानमंत्री के काल में नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी जी 8 वर्ष में 56 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट आए हैं, 56 टाइम्स, 56 बार वो नॉर्थ ईस्ट आए हैं। वो अरुणाचल आए हैं, वो मणिपुर आए हैं, वो मेघालय आए हैं, वो मिजोरम आए हैं, वो त्रिपुरा आए हैं, वो नागालैंड आए हैं, वो सिक्किम आए हैं। आप सोच के देखिए, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रति, हमारे जनजाति के प्रति है। तो मैं अंत में केवल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व जनजाति के लिए, अपना सर्वस्व उत्तर पूर्व के लिए छावर किया है, उस नरेंद्र मोदी जी के लिए आप सब खड़े होंगे ना, आप सब उनको आशीर्वाद देंगे ना। एक बार हाथ जोड़ के, हाथ मुट्ठी बांध कर मेरे साथ कहेंगे, जो जो आशीर्वाद देंगे, भारत माता की,
जोर से आवाज मोदी जी तक आशीर्वाद बन के जाना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।